हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी हम जा रहे हैं इजिप्शियन म्यूज़ियम देखने, और ये रिंग रोड है इनका, ये पूरा ओल्ड कायरो है। आप देख सकते हैं ओल्ड कायरो कैसा है, और टैक्सियाँ बड़ी पुरानी पुरानी हैं यहाँ पर। नई गाड़ियाँ भी दिखती हैं लेकिन पुरानी गाड़ियाँ बहुत हैं। इनका पुराना शहर देख लिया, बहुत ही पुराने पुराने घर हैं। ओल्डेस्ट है, अपग्रेड नहीं है। जो नया कायरो देखा है तहरीर स्क्वायर के पास, उसको डाउनटाउन कहते हैं, वो ज़बरदस्त है। वहाँ भी आज आप मैं जाऊँगा म्यूज़ियम के बाद, थोड़ा वीडियो शूट करूँगा और आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, इवन ये रिंग रोड है फिर भी यहाँ पे भी इस टाइम पे है ट्रैफिक है। बाकी आज कोविड टेस्ट करवा लिया, इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट बस आते ही कल अलेक्जेंड्रिया के लिए निकल जाएंगे, और अलेक्जेंड्रिया से वापस दुबई। बस आप देख सकते हैं बहुत ट्रैफिक और डस्ट है। जी दोस्तों, म्यूजियम बंद हो गया है, अब कल सुबह आना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं सामने सलाहुद्दीन अयूबी की मॉस्क, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर। आप देख सकते हैं सलाहुद्दीन अयूबी, उनका टॉम्ब है, मॉस्क है, बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसको सिटाडेल बोलते हैं, शायद कैमरा कवर कर पाए। अभी आप देख सकते हैं अभी जा रहा हूँ रमसेस ट्रेन की टिकट लेने, कल अलेक्जेंड्रिया जाने की। जी दोस्तों, अभी जा रहे हैं तहरीर स्क्वायर की तरफ बाय वॉक, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि टैक्सी लेने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज टैक्सी में बैठ बैठ के यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो बस अभी वॉक करके जा रहा हूँ, 10-15 मिनट्स वॉक है, एंड देन आई विल बी देयर। फिर आपको दिखाते हैं वो पीछे रमसेस जहाँ से मैं चला हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू तहरीर स्क्वायर। जी फ्रेंड्स, अभी हम तहरीर स्क्वायर के पास आए हैं। इनका डाउनटाउन का एरिया है पूरा। आई थिंक मेरा धूप में फिर के स्किन थोड़ी डैमेज हो गई है। अभी आप देख सकते हैं कि ये तहरीर स्क्वायर के पास का एरिया है, इसको डाउनटाउन बोलते हैं, और बहुत सारे लोग शॉपिंग वगैरह करने आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, और बहुत सारे सिनेमाज हैं यहाँ पे, बहुत सारे, और जितनी भी नई इन्हीं की मूवीज़ लगती हैं। हॉलीवुड मूवी तो मैंने कोई देखी नहीं यहाँ पे अभी कि किसी का कोई बिलबोर्ड लगा हो। ये इनका पूरा डाउनटाउन है, यहाँ रेस्टोरेंट्स की दुकानें हैं बहुत सारी, और ये पीछे तहरीर स्क्वायर से आप रमसेस की तरफ जा सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि हम कुछ खा लें, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। तो ये इनका डाउनटाउन है, तहरीर स्क्वायर के पास है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ, और आप देख सकते हैं। ये लोग रात को भी नहीं सोते, दिन में भी नहीं सोते, पता नहीं सोते कब है। या पहले रात वाले सो जाते हैं, वो सुबह उठते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, और फिर जो सुबह सोते हैं वो रात को निकल आते हैं। मतलब ये हर वक्त रोड पे ही रहते हैं, इनकी एंटरटेनमेंट यही है। ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट है जो कि बहुत फेमस है,
और कुछ खाना है, अभी कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एक कबाब वाले का उसने बोला है अबू रामी, उसको ज़रूर ट्राई करना। टैक्सी वाला बता रहा था कि वो बहुत ज़बरदस्त है, तो किसी से पूछते हैं। ये आखर साह भी रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग हैं उधर। कायरो बाज़ार है इनका, तहरी स्क्वायर डाउनटाउन, और बहुत सारे रेस्टोरेंट। बाकी पूछते हैं कि किधर है अबू रामी। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। मुझे बर्गर शवारमा नहीं खाना है, वॉन्ट टू ट्राई सम बारबेक्यू। लोग यहाँ शवारमा बहुत खाते हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स, दुकानें। अभी जो रेस्टोरेंट मुझे चाहिए मैं उसका पूछता हूँ, शायद किसी को पता हो। और बाद में आप देख सकते हैं आपको रेस्टोरेंट की तरफ बुलाते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट इस बाज़ार का तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो कुछ और ढूंढता हुआ इधर तक आ गया। बहुत से रेस्टोरेंट और भरे हुए, फुल बाज़ार है भाई। अबू रामी का पूछना है, सब कबाब वगैरह उन्हीं की दुकान है। जी फ्रेंड्स, अभी यहाँ से खाना खा लिया है। ये बहुत बिजी रेस्टोरेंट है इनका, मेन बाज़ार के अंदर, और बहुत सारे और रेस्टोरेंट्स हैं। खाना अच्छा है और बहुत ज़्यादा रश है इनके पास, बिकॉज बहुत अफोर्डेबल प्राइस थी। 80 इजिप्शियन पाउंड लगे, जो कि ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर आप KFC का कोई मील लेते हो तो वो भी 90 pounds लगते हैं। बाकी आप देख सकते हैं रात का व्यू। GoPro के घूमने की वजह से मोबाइल से बनानी पड़ रही है वीडियोस, एंड आई होप इसकी क्वालिटी सही रहे। आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब एग्रेसिव हैं, और यू नो हॉकर्स बहुत ज़्यादा हैं हर तरफ। बाकी जैसे हर कंट्री के प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं, इधर भी ऐसे ही है। और बाकी आप देख सकते हैं कि बाज़ार है पूरा, और बाकी जिस तरह सब
कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लोग खाना खाने आए हैं, खाना खा रहे हैं। टूरिस्ट कायरो में कम है, शर्म एल शेख में बहुत ज़्यादा है। इवन अभी जैसे कायरो में $100 का टेस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, $100 का कोविड टेस्ट। और मुझे लग रहा था कि दुबई में एक्सपेंसिव है, लेकिन दुबई में कोविड टेस्ट 150 दिरहम में हो जाता है, अप्रॉक्सिमेटली $30 समथिंग लाइक दैट। शर्म एल शेख में जो टेस्ट है वो $30 में हो जाता है, और क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। कायरो में टूरिस्ट बहुत कम नज़र आते हैं आपको, गिज़ा पैरामिड्स। आप भी अगर टूरिस्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे तो वो सबसे ज़्यादा असवान, लुक्सर और शर्म एल शेख में मिलेंगे। मैं भी अगर अगली दफ़ा इजिप्ट आया सो 90% शर्म एल शेख ही आऊँ, वो बेस्ट प्लेस है, हैपनिंग है। लेकिन अगर आपने इजिप्ट को गौर से देखना है, उनके लोगों को, उनके कल्चर को, तो फिर आपको कायरो आना पड़ेगा, बिकॉज शर्म एल शेख में ज़्यादा टूरिस्ट हैं, रशियन बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको वो कल्चर नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी कंट्री का कल्चर, जैसे आप तुर्की जाते हैं तो आप इस्तांबुल घूमते हैं जो कि टूरिस्टिक प्लेस है, लेकिन जिस तरह ही आप थोड़ा साइड पे बुर्सा या और एक दो और उनकी जगह फेमस है, अनातालिया भी टूरिस्ट है, और उसके बाद अंकरा आप जाते हैं, कैपिटल है, तो आपको रियल लोगों को जानने का मौका मिलता। बाकी आप देख सकते हैं रात का टाइम है और ये लोग पूरी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे भाई 3 बजे तक।